अगर आप कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना चाहते हैं तो आपको मंथली बेस पे सैलरी पे की जाएगी जिसमें 45,000 से लेके 50,000 तक आप मंथली यहां से कमा सकते हैं आपने जस्ट राइटिंग का वर्क करना है जिसके आपको पैसे दिए जाते हैं तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि राइटिंग का वर्क करके पैसे कैसे कमाने हैं तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है आर्टिकल राइटिंग जॉब तो जैसे ही आप सर्च करते हैं थोड़ा सा नीचे कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सिक्सटी वन मोर जॉब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ओपन होके आ जाती हैं जिसमें कंटेंट राइटिंग है आर्टिकल राइटिंग है उसके अलावा ब्लॉग राइटिंग का काम आ जाता है टेक्निकल का राइटिंग का काम है अब यहाँ पे ऊपर आते हैं तो सेकेंड नंबर पर जॉब है कॉन्टेंट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग अब यहाँ पे आप कॉन्टेंट राइटिंग का काम का कर सकते हैं और आर्टिकल राइटिंग का काम का का कर सकते हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए मेंशन है अप्लाई ऑन जॉबी डॉट कॉम आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा अब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपने इनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले फिल आउट करना होता है जैसे कि यहाँ पे देखें ये सारी की सारी आपने रिक्वायरमेंट ध्यान से देखनी है और इनको फिल आउट भी करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जॉब टाइटल दिया जाता है जॉब लोकेशन दी जाती है इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ये जॉब है ंग शिफ्ट है उसके बाद जॉब टाइप आ जाता है फुल टाइम है उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना होता है अब ये कहाँ पे सेलेक्ट करना है और ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखनी है ये मैं अभी इसके बाद आपको बताता हूँ अब यहाँ पे एज रिक्वायर्ड है कि आप 18 साल से लेकर 40 साल की एज तक यहाँ पे काम कर सकते हैं उसके बाद एजुकेशन बैचलर आ जाती है डिग्री टाइटल है उसके बाद कैरियर लेवल आ जाता है इंटर इंट्री लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है उसके बाद यहाँ पे सैलरी आती है अब सैलरी का आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है जैसे कि नीचे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है एक्सपीरियंस है फ्रेश मतलब कि ये फ्रेश के लिए सैलरी है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको काम करना नहीं आता तो आपको 20,000 से लेके 25,000 तक मंथली सैलरी दी जाती है और अगर आपके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अपनी मर्जी से अपनी सैलरी को सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा ये इनकी डेट है कि आप इन डेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब कि इस डेट तक का टाइम है मार्च दस दो तक का टाइम है आप उससे पहले पहले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अब आपने इन सारी चीज़ों को कहाँ पर फिल आउट करना होता है उसके बाद आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप सारी चीजों को फिलआउट कर लेना है जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोफाइल का बटन है आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपने बेसिक प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है होता है जैसे कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है आपने सबसे पहले अपना फुल नेम देना है उसके बाद आपने लास्ट नेम देना है और आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है उसके अलावा यहाँ पे आप मैंने आपको बताया था कि आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए जेंडर का ऑप्शन आ गया आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप सिंगल सिंगल है मैरिड है डिवोर्स है आपने यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट करनी है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए कैरियर लेवल आ चुका है जो मैंने आपको पहले बताया आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि एंट्री लेवल है उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट लेवल है उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप प्रोफेशनल है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डिग्री लेवल आ जाता है आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है अब यहाँ पे उन्होंने बैचलर को सेलेक्ट किया हुआ था आपने भी यहाँ से अच्छी जो है वो अपनी डिग्री जो है उसको मेंशन करना है जैसे कि बैचलर है मास्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीएचडी एच सिलेक्ट मतलब आपने अच्छी सी अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है उसके बाद वेबसाइट अगर आपके पास कोई है उसका कोई पोर्टफोलियो आपके पास है वो आप मैंशन कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल एन लिख के उसके बाद आपने स्लैश डाल के ए लिख देना है कि नॉट अवेलेबल तो जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मेल देनी है उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है मोबाइल नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना है एड्रेस मेंशन करने के बाद होम कॉन्टेक्ट आ जाता है इस जगह पे भी आपने अपना होम का नंबर नहीं देना आपने यहाँ पे भी अपना नंबर मेंशन कर देना है मेंशन करने के बाद जिस कंट्री से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी कंट्री को चूज कर लेना है कंट्री को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी को मेंशन करना है चाहे वो लाहौर है इस्लामाबाद है मुल्तान है जिस जगह से भी रह रहे हैं आपने यहाँ पे अपनी सिटी को मेंशन करना होता है उसके बाद जिप कोड है जिप कोड हर बंदे को पता होगा अगर किसी को नहीं पता तो आप अगर लाहौर में रह रहे हैं लाहौर मॉडल टाउन है या कोई भी एरिया है उसके अंदर आप रह रहे हैं तो आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है और वहां पे आपने सर्च करना है लाहौर मॉडल टाउन जिप कोड या पोस्टल कोड तो गूगल जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे पोस्टल कोड लगा के नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहां पे आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने इसको यस yes कर देना है yes यस करने के बाद यहां पे आपके सामने मजीद ऑप्शन आ जाते हैं तो यहां पे देखें लिखा हुआ है करंट डेजिग्नेशन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप हो जाएंगे अब आपने इसमें से चूज करना होता है जैसे कि राइटिंग ब्लॉग राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग का काम है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जो आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं जौन सा आपके पास स्किल है आप उस बेस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी तरह का आपने अपना स्किल जो है उसको चूज करना होता है अब यहाँ पे आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस मैंशन कर देना है मैंशन करने के बाद जॉब सिटी आ जाता है आपने यहाँ पे अगेन अपनी सिटी को मैंशन करना है सिटी को मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंडस्ट्री आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पे आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शन जो है वो पॉपअप हो जाते हैं अब यहाँ से आपने एक ऑप्शन को चूज कर लेना है लेकिन आपने यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान से समझना है उसके बाद आपने इनको चूज करना है चूज करने के बाद अगेन यहाँ पे देखें करंट कंपनी आ जाती है कि आपने इससे पहले कौन सी कंपनी के अंदर काम किया है यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फाइवर अफवर्क भी लिख सकते हैं उसके अलावा ए एंड बी भी मेंशन कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे सैलरी आती है कि आप यहाँ पे कितनी सैलरी लेना चाहते हैं आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है अब यहाँ पे अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पैंतालीस हजार से लेके पचास हजार तक की सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश हैं, तो आप यहाँ पे बीस हजार से लेके पच्चीस हजार तक या पच्चीस हजार से लेके तीस हजार तक सैलरी को सेलेक्ट कीजिएगा इससे ज्यादा आपने सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी उस, उसके बाद यहां पे आपसे एरिया पूछा जाता है तो यहां पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ऊपर आपने अपनी मर्जी से इसका भी ऑप्शन चूज कर लेना है जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंट्स फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट कर लिया है इंडस्ट्री की जगह पे मैंने सर्विसेज कर दिया है उसके बाद करंट कंपनी ए एंड बी आ जाता है उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल एरिया आ जाता है वो मैंने सेलेक्ट कर कर दिया है उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपने अपनी फाइल को अपलोड करना होता है अपनी रिज्यूम को अपलोड करना होता है अब आपने यहाँ पे अपनी सी को राइट करवा लेना है चैट जी से बर्ड यासी या कैनवा से आप अपनी सी को बना सकते हैं अपनी रिज्यूम को बना सकते हैं उसमें आपने कॉन्टेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग की सी बनवा लेनी है चाहे वो कॉन्टेंट राइटिंग की बनवा लें या चाहे वो आर्टिकल राइटिंग की सीवी बना लें सीवी बनाने के बाद आपने सिंपल अपलोड फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सीवी को अपलोड करना है तो जैसे ही आप अपनी सीवी को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने एक्सपीरियंस को एड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे स्किल्स आ जाते हैं यहाँ पे आपने अपने स्किल्स को ऐड करना होता है जैसे कि यहाँ पे देखें गुड राइटिंग इन्होंने खुद से मैंशन किया होता है आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह करके यहाँ पे आपने अपने स्किल्स को ऐड कर लेना है ऐड करने के बाद आपने इसको सेव कर ले रहे हैं तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके स्किल जो है वो सेव हो चुके हैं और मेरी प्रोफाइल 55 फाइव परसेंट कम्प्लीट हो चुकी है इसी तरह यहाँ पे ये सारे की सारी चीज़ें आपने इनको लाजमी से चेक कर लेना है और आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है जैसे कि यहाँ पे देखें लैंग्वेज का बटन है आपने ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप अपनी लैंग्वेज जो है उसको चूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है ठीक है आपने इंग्लिश को चूज़ करना है इंग्लिश को चूज़ करने के बाद आपने सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है उर्दू भी चूज कर सकते हैं इसके अलावा और भी जो आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश को चूज़ कर दिया इंग्लिश में आप बिगनर हैं मीडियम है या नेटिव हैं नेटिव आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है अब यहाँ पे देखें आपकी लैंग्वेज जो है वो भी ऐड हो चुकी है इस तरह करके आपने अपनी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपल अपनी जॉब के ऊपर आना है अप्लाई ऑन जॉब जो भी .com के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद पे देखें अप्लाई का बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ होगा जो सैलरी आपने मेंशन किया है वही सैलरी आपने यहाँ पे मैंशन करनी है जैसे कि यहाँ से मैं फोर्टी फाइव से लेके यहाँ पे फिफ्टी तक जो है वो सैलरी को मैंशन कर रहा हूँ करने के बाद आपने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देखें मेरी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है उसके बाद जो आपने अपना नंबर दिया है उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल प्रोफाइल को लाजमी से कंप्लीट कर लेना है अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती तो यहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे यहाँ पे देखें उन्होंने मुझे स्टेटस शो कर दिया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली अब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है आपको आपके नंबर के थ्रू रिप्लाई किया जाएगा या आपको आपकी मेल के थ्रू रिप्लाई किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस वर्क होता है वो मैक्सिमम आपको आपकी मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स किया जाता है तो लाजमी से आपने अपनी मेल को चेक करते रहना है और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपके सामने देखें एक मैसेज हो चुका है यहाँ पे आपने अपनी मेल को ओपन करके इस वेबसाइट को वेरीफाई लाजमी से कर लेना है उसके बाद जो आपका पेमेंट मेथड है वो भी आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो इजी पैसा जैस कैश के अंदर आपको रिसीव कर सकते हैं इजीली और अगर आप बाहर से हैं तो आप पायनियर एयर स्क्रील के अंदर भी इजीली अपनी अमाउंट जो है उसको रिसीव कर सकते हैं वो भी आपने उनसे अपने फ़ोन नंबर के थ्रू ही उनसे रहा करना होता है जब आपको रिस्पॉन्स मेल आती है उसी के थ्रू आपने अपने अकाउंट के बारे में पूछना होता है अपनी पेमेंट के बारे में पूछना होता है कि आप अपनी पेमेंट किस तरह से रिसीव करेंगे और आपको कितना पैकेज जो है वो दिया जाएगा और आपको वर्क कौन कौन सा प्रोवाइड किया जाएगा